राज्यरे आजि भी 8000 रु अधिक कोरोना रोगी चिन्हट होइछन्ते। गतकाली तुलनारे आजि संक्रमितक संख्या वृद्धि पाइछि। गतकाली राज्यरु 8399 कोरोना संक्रमित चिन्हट होइतिबा बेले आजि चिन्हट होइछन्ते 8839 रोगी। एथिमध्यरु 4948 क्वारंटीनरो एवं लोकल कंटाक्ट रहिछि 3891। आजि भी तालिकार उपरे रहिछि खोर्धा जिला। एठारु चिन्हट होइछन्ति 1235 जन कोरोना रोगी। याकु मिसाई आजि राज्यरे 10594 जन कोरोना मुक्त होइछन्ति। राज्यरे मोट कोरोना संक्रमितक संख्या 790970 छुइछि। राज्यरे एबे एक्टिव केस रहिछि 85423। तेरे संपर्कित अधिक सूचना दिव्य आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती। दिव्य कौन अपडेट आसुची? कारण वर्तमान जी देखा संक्रमित संख्या कमुची किंतु मृत्यु संख्या वृद्धि घटुची। देखो चिन्मय निश्चित भाव में जदिव वर्तमान पीक पीरियड आम क्रॉस कर सारे कि आम संक्रमण स्थिति बर्तमान गोटे समांतर गति देकर गति करता भितर रही। प्रत्येक दिन 8-10 हजार भितर संक्रमित चिन्हट होती। ये हूँ जब देखा विगत 15 दिन अपडेट हूँ 8-10 हजार भितर ही संक्रमित रोचे। अंपटे आप देखिए जो भाई भाव मृत्यु संख्या दिनक दिन बढ़ुच्ची ताक नहीं चिंता प्रकट करा। आज राज्य में सर्वाधिक 42 जन मृत्यु होती जहा सबुठ अधिक दैनिक संक्रमण कहुची। जदि यही दुई दिन तीन दिन को आम देखा जून मस तीन दिन को देखिए 25,973 संक्रमित चिन्हट है 119 जन मृत्यु हो सारा केवल ये तीन दिन भितर जहाँ को नहीं चिंता बढ़ुची। जदिव विशेषज्ञ कहते पूर्वर जेहेतु अन्य क्रिटिकल पेसेंट थे डेथ हो धीरे धीरे आगामी दिन में ये संख्या कमी विशेषज्ञ मत रखु। स्वास्थ्य विभाग मत दाबी जून 15 सुधा स्वाभाविक स्थित को ओडिशा आसी जाइव तो परिसंख्यान कमी थोड़ा और सहित मृत्यु संख्या भी कमी थी। किंतु सबुठ बड़ कथा हो 6 जिले में वर्तमान जो संक्रमण द्रुत गति आगक बढ़ुची एक स्वास्थ्य विभाग मध्य निजे स्वीकार करती। ढेंकानाल खोर्धा जाजपुर मयूरभंज भद्रक केन्द्रापड़ा ये 6 जिले में संक्रमण द्रुत गति आगक बढ़ुची। ये 30% ऊपर रही पॉजिटिव रेट। यही 6 जिला को अधिक फोकस देवाई मुख्यमंत्री पर दिन जो बैठक नहीं कोविड समीक्षा बैठक से जिलापाल मानक आपण जिलार सठिक तदारख करूँ और किभली कोविड मुकबिला कर दिग्वे ध्यान दिंतु। ता सहित सब बड़ कथा हूँ बर्तन ब्लाक फंगस अधिक चिंता बढ़ाई सकता नुआ चिंता सृष्टि करती। जेहतु 41 जन पाखापाखि ब्लाक फंगस रोगी चिन्हट हो सारे तार किभली मुकबिला सब बड़ कथा जहाँ को नहीं मुख्यमंत्री निर्देश देखते जो प्रत्येक जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पिटाल रही ब्लाक फंगस स्वतंत्र वार्ड कोविड रोगी अलग वार्ड और नॉन कोविड रोगी जो रही अलग वार्ड भिन्न भिन्न वार्ड कर सब आउ गोटे चिंताजनक विषय रही है जहाँ सरकार पदक्षेप रही। स्वास्थ्य विभाग आकलन कहते स्वास्थ्य विभाग दावी कहती जून 15 सुधा ये सब स्थितर समाधान हो सब आम राज्य गोटे प्रकार 5% को खसी आस पजिट रेट जदि से हुए तो जून 15-16 बेल को आम जो लकडाउन रटक को फेस करे ता आउ आमको फेस करा पड़ो ना आमको लकडाउन कटक जदि फेस नक पड़ो किंतु जो जहाँ गाइडलाइन रही अनुपालन करा पड़ो तृतीय लहर पर कारण तृतीय लहर जेहतु अक्टोबर सुधा आसोब आकलन कराऊँ तृतीय लहर पर प्रस्तुति आरंभ कर सरकार से समस्त कहूँ जो कोविड जो जो गाइडलाइन रही जदि कटक लकडाउन कटक उठी कोविड गाइडलाइन को मानवा निहाती दरकार रही है। निश्चित भाव में दिव्य जेहेतु तृतीय लहर आग को आसुची जदिव जून 15 सुधा संक्रमित संख्या कमुची वर्तमान भल स्थित को राज्य आसुची किंतु कोविड 19 गाइडलाइन को अनुपालन कले तृतीय लहर को आम मात दे पारिबा। आउ सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होची जो ब्लैक फंगस कथा आपण कहते निश्चित भाव में ब्लैक फंगस वर्तमान समस्त चिंता बढ़ाई आशा करवा सरकार सठिक पदक्षेप उचित समय एवं ये सब महामारी लोक मैंने निवृत्त बा आश्वस्ति लाभ करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य आपणकर तमाम सूचना पाई।